आई एम तन्वी पाउजा वेलकमिंग यू ऑल टू आर चैनल ओनली सिविल सर्विसेज इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव डेल्टी विदलेबस ओके फ्रॉम टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्राम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया यूरोपियंस एंटर एंड एस्टेब्लिश देयर ट्रेड एस्पिशंस इन इंडिया लेटर ऑन द ट्रेड एस्पिशंस व कन्वर्टेड टू पॉलिटिकल एस्पिशंस तो आज हम देख लेते हैं कि हाउ दे एंटर इन इंडिया द फर्स्ट यूरोपियन टू एंटर इन इंडिया वॉज Portuguese when in 1498 it was then followed by Dutch English Danes and then French French were the last Europeans to come in India okay this sequence should be re uh, remembered many times questions are directly asked from this sequence okay um, uh, we have to know why Europeans were keenly interested in finding direct sea route to India aisa kya reason tha वी नो कि कई सालों से यूरोपियन कंट्री इंडिया के साथ ट्रेड कर रही थी बिकॉज इंडियन गुड्स वर इन ग्रेट डिमांड इन इंग्लैंड ओके इन यूरोप इन इंग्लैंड ग्रेट डिमांड में था कौन से गुड्स कॉटन द स्पाइसिस ऑफ इंडिया वॉज वेरी फेमस देयर सिल्क वॉज वेरी फेमस देयर। तो इन गुड्स की वजह से यूरोपियंस को कीनली मतलब इंटरेस्ट था कि वो डायरेक्ट रूट ढूंढे अब डायरेक्ट क्यों रूट ढूंढे इतने सालों से ट्रेड कर रहे हैं रूट ढूंढने की क्या ज़रूरत पड़ गई एकदम से द रीजन वॉज इन फिफ्टीन सिक्सटीन सेंचुरी देर वॉज अ फॉल ऑफ रोमन एम्पायर इन मिडिल यूरोप ओके अब क्या हुआ रोमन एम्पायर जो इतने सालों से स्टेब्लिश था जो ट्रेड करने में प्रॉब्लम नहीं होती थी जिस वजह से वो फॉल हो गया और इट वॉज सक्सीडेड बाई अरब एम्पायर नाउ अरब वर दी ट्राइवल ट्रेडिशनल रफ होम क्रिशनेलिटी इनकी वजह से एक इंटरमीडिएट्री क्रिएट हो गई बिटवीन द ट्रेड ऑफ इंडिया एंड यूरोपियन कंट्रीज इंटरमीडिएट्री होने की वजह से देर वॉज इकोनॉमिकली लॉस देर वॉज लॉस ऑफ इकोनॉमी ओके इन यूरोपियन कंट्रीज तो फिफ्टीन सेंचुरी वॉज अ पीरियड ऑफ रेनेसांस इन यूरोप रिफॉर्मेशन का पीरियड था स्ट्रगल हो रही थी सारी कंट्रीज़ की टू साइंटिफिकली टेक्नोलॉजिकली बी अपग्रेडेड ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करना था उनको इस वजह से उन्होंने क्योंकि अब फंड आ चुके थे रिफॉर्मेशन की वजह से अपग्रेडेशन की वजह से बहुत काफ़ी मनी था उस टाइम यूरोपियन नेशंस में तो पोर्चुगल के जो राजा रहते हैं किंग हेनरी ऑफ पोर्चुगल फंडेड मैनी वोएज़ एट दैट टाइम और फाइनली उनका एक वोएज इंडिया एंटर करने में सक्सीड हो जाता है कौन सा वोएज विच वॉज लेड बाय वास्को डिगामा इन 1498 एट अब इस किंग हेनरी ऑफ पोर्चुगल को नेविगेटर का नाम भी दिया गया है दिस वॉज हाउ यूरोपियंस फर्स्ट एंडर्ड इन इंडिया एंड फाउंडेड अ डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया क्योंकि पोर्चुगीज इंडिया में आ चुके हैं तो वो इंडिया में आके अपने ट्रेड को कैसे बढ़ाते हैं लेट्स सी नाउ अराइवल ऑफ वास्को डिगामा इन फोर्टीन नाइनटी एट कहाँ आ गए वास्को डिगामा कैलीकट नाम की जगह पर कैलीकट के जो राजा रहते हैं जेमोरिन वो वामली वेलकम करते हैं पोर्चुगीज का उस टाइम पर वास्को डिगामा का टाइम पर क्योंकि इतनी ट्रेड प्रैक्टिसेस इतने सालों से चल रही थी इसलिए जब पोर्चुगीज़ इंडिया में एंटर करते हैं तो वो अपने कुछ ट्रेड सेंटर्स बना लेते हैं दैट वॉज कैलीकट कोचिन एंड किन्नौर ओके आफ्टर एस्टैब्लिशिंग ट्रेड पोर्चुगीज़ गवर्नमेंट सेंट अ गवर्नर इन इंडिया टू गवर्न या एडमिनिस्ट्रेट द ट्रेड प्रैक्टिस हु वॉज ही फ्रांसिसको डी एलमायडा ही वॉज द फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर ओके उनकी एक पॉलिसी है ब्लू वाटर पॉलिसी जिनकी वजह से वो काफ़ी फेमस थे इस पॉलिसी को कार्टेज सिस्टम भी कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी उनका ये मानना था कि इंडिया के अगर ऊपर हमें ट्रेड करना है या रूल करना है द फर्स्ट थिंग द इम्पॉर्टेंट थिंग वी हैव टू डू इज टू कंट्रोल द इंडियन ओशियन हमें सी के समुद्री रास्ते को कंट्रोल करना पड़ेगा तो इस पॉलिसी के अंडर वो कुछ पासिस बना दिए उनने कि ये हमारी कंट्रोल्ड वाटर है या सी रूट है इसमें आपको जाना है तो पास के थ्रू जाना पड़ेगा तो ऐसे वो वाटर को कंट्रोल कर रहे थे अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ऐसा अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस जब वास्को डिगामो एंटर हुए थे इंडिया में और जब वो वापस जा रहे थे तो उनकी जो शिप थी उसमें इतना इंडियन गुड्स था कि वो इकोनॉमिकली बहुत प्रॉफिट हुए थे यूरोप में जाकर दिस वॉज द रीज़न कि वो सेकेंड टाइम भी आते हैं और अपनी ट्रेड एस्पिरेशंस पोर्चुगीज की जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं इंडिया को लेकर क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हमें प्रॉफिट चाहिए मनी चाहिए दे व जस्ट लालच थी उन लोगों के मन में तो इंडिया में एंटर करना ही पड़ेगा इस तरीके से एंटर करते हैं फिर फ्रांसिस्को डी एलमाइडा के बाद जो सक्सीड करते हैं गवर्नर ही वो डी इन्होंने क्या किया गोवा एक्वायर करके दिया है पोर्चुगीज को किससे सुल्तान ऑफ बीजापुर से इन में अब गोवा भी पोर्चुगीज के ट्रेड में आ गया इन्हो दा इन्हें सक्सीड करते हैं उनका क्या काम है उन्होंने बहादुर शाह ऑफ गुजरात को मारा था इन द बैटल विथ हुमायूं 1612 में हम देखते हैं बैटल ऑफ स्वाली होल अब क्यों हुआ ये बैटल दिस वॉज द टाइम दैट अदर यूरोपियन नेशंस एंटर्ड इन इंडिया अब उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना लग गया है क्योंकि एवरी वन वांट्स मोर एंड मोर ट्रेड विथ इंडिया इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सबको अपना रूल इस्टेब्लिश करना था इंडिया में तो इंग्लिश डिफीट करते हैं बैटल ऑफ स्वाली होल किस को पोर्चुगीज को नाउ द फर्स्ट यूरोपियन दैट केम टू इंडिया वॉज लिमिटेड टू ओनली थ्री प्लेसेस दैट वर गोवा दमन एंड ड्यू एंड इवन दे व नॉट अलाउड फॉर एनी फर्दर फोर्टिफिकेशन अब वो अपने कोई भी फोर्ट्स नहीं बना सकते इंडिया में इस तरीके से पोर्चुगीज लिमिटेड हो जाते हैं इंडिया में उनकी जो एक्टिविटी होती है वो लिमिटेड हो जाती है क्योंकि वर द फर्स्ट टू कम टू इंडिया लेट अस सी कि क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया के अंदर उन्होंने कई न्यू प्लांटेशन प्रैक्टिसेस या कुछ नए प्लांट्स इंडिया में इंट्रोड्यूस किए किस किस चीज़ के टोबैको पोटेटोज एंड टोमेटोज का ओके okay? तो ये देखा आपने पोर्चुगीज नाउ रीजन की फर्स्ट टू कम टू इंडिया वर देम एंड देन वर नॉट सक्सीडेड इन सक्सीडेड इन फर्दर एक्सपांशन तो व्हाट वर द रीजंस द रीजंस आर बिकॉज़ ऑफ़ ऑफ़ ऑफिशियल्स, उनके जो ऑफिशियल्स थे वो अपने नेशन के लिए अपनी गवर्नमेंट को प्रॉफिट नहीं दे रहे थे वो अपनी जेबें भर रहे थे दिस इज द रीजन दूसरा मुगल्स वर एट राइज एट दैट टाइम तो रजिस्ट कर रहे थे स्ट्रांगली मुगल्स को यूरोपियन कंट्रीज़ को एंटर करने में एमरजेंस ऑफ ब्रिटिश एक स्ट्रॉग यूरोपियन नेशन एंटर कर चुका था इंडिया में तो एक कंपटीशन बन चुका था उनका उसके बाद पार्थ पायरेसी पॉलिसी जो सी रूट्स में वो पायरेसीज़ करते थे इनकी वजह से वो फेल हो गए द थिंग टू रिमेम्बर इज़ पोर्चुगीज़ वे फर्स्ट टू एंटर इन इंडिया एंड दे लास्ट टू लीव इंडिया इन नाइनटीन तो यहाँ हम डील कर चुके हैं पोर्चुगीज के बारे में इट वॉज़ फॉलोड बाय द डच कंट्री डच की फर्स्ट फैक्ट्री बनी थी मसौली पटनम में उनकी कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज अदर जो इस्टेब्लिश हुई थी देवर एट सूरत करायकल चिंसौरा कसम बाजार पटना नागापटनम कोचिन लेकिन डच भी अपने रूल को ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं कर पाए क्योंकि इंग्लिश ने उन्हें बहुत बुरी तरीके से बैटल ऑफ बिदारा में हरा दिया था बैटल ऑफ बिदारा कब हुआ था 1759 एडी में अकॉर्डिंग टू दिस बैटल एक एग्रीमेंट साइन होता है इस एग्रीमेंट के अंदर डच गेन द कंट्रोल ऑफ इंडोनेशिया डच को क्या दे देते हैं ब्रिटिश कंपनी इंडोनेशिया दे देती थी कि आप इंडोनेशिया में सीमित रहिए आप इंडिया के ट्रेड में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे आपसे इसके बदले में ब्रिटिश को क्या मिल जाता है इंडिया श्रीलंका एंड मलाया ओके नाउ वी विल सी हाउ इंग्लिश एस्टैब्लिश देयर ट्रेड एक्टिविटी इन इंडिया दे एस्टैब्लिश देयर ईस्ट इंडिया कंपनी इन सिक्सटीन हाउ बाई अ चार्टर्ड दैट वॉज इश्यूड बाई क्यून एलिजाब इन सिक्सटीन हंड्रेड ओके अब ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हो चुकी है इंडिया में पोर्चुीज ने कुछ रजिस्ट किया कई बार रजिस्ट किया कि ब्रिटिशर्स इंडिया में एंटर ना करें लेकिन इस रजिस्टेंस के बाद भी जहांगीर जो हैं वो उन्हें फरमान ग्रांट कर देते हैं किसको कैप्टन विलियम हॉकिंस को कि अब आप, आप अपनी एक फैक्ट्री बना सकते हैं इंडिया में ये फैक्ट्री थी ये कहाँ बनी थी सूरत में सिक्सटीन तेरह में इतने रेजिस्टेंस के बाद भी ब्रिटिश सक्सीडेड इन एस्टेब्लिशिंग देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत लेटर ऑन इन सिक्सटीन सिक्सटीन एक और फैक्ट्री बनती है मसौलीप्टनम में ये फर्स्ट फैक्ट्री होती है साउथ इंडिया की तो अब आप देखिए किस तरीके से ये अपनी फैक्ट्री बढ़ाते जा रहे हैं अपने ट्रेड को इंडिया में बढ़ाते जा रहे हैं उसके बाद फ्रेंच गवर्नमेंट इनको बॉम्बे देती है डाउरी में ओके कुछ मैरिटल uh, रिलेशंस की वजह से आप इन्हें बॉम्बे भी मिल जाता है इनकी और पोजीशन इम्प्रूव होती है इंडिया में जब गोलकोंडा के किंग एक गोल्डन फरमान देते हैं गोलकोंडा इज़ द एरिया ऑफ हैदराबाद एंड तेलंगाना अब इस गोल्डन फरमान के अंदर दे आर अलाउड टू ट्रेड फ्री फ्रीली नाउ दे डू नॉट हैव टू लेवी एनी टैक्सेस एंड टोल्स फॉर ट्रेड इन दिस रीजन ओके इससे उनको बहुत इकोनॉमिकली बेनिफिट होता है इन सिक्सटीन ब्रिटिश मर्चेंट रिसीव्ड परमिशन टू बिल्ड फोर्टिफाइड फैक्ट्री एट मद्रास अब देखिए आप कि इनको फोर्टिफिकेशन भी अलाउ हो गया है इन्होंने अपना पहला फोर्ट जो बनाया है वो सेंट जॉर्ज का फोर्ट बनाया है मद्रास में अब ये फोर्टिफिकेशन करने लग गए नेक्स्ट इनकी नज़र पड़ती है बेंगॉल पर क्योंकि बंगाल एक रिच प्रोवेंस होता है सिक्सटी ट्रेड जो है इंग्लैंड का वो कहाँ से हो रहा होता है बंगाल से गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा है एग्रीकल्चर में काफ़ी हद तक प्रोडक्शन ज़्यादा होता है बंगाल में तो ये अट्रैक्ट करता है इंग्लिश मेंस को तो इंग्लिश मेंस एंटर करते हैं शुजा शाह नाम के रूलर से ट्रेड के ट्रेड अस्टैब्लिश करना शुरू करते हैं बंगाल में कब 1651 में फाइनली वो सक्सीड कर जाते हैं इन एस्टैब्लिशिंग अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट द सेटलमेंट वॉज नेम्ड बाय फोर्ट विलियम्स अब देखिए आप जिस तरीके से उन्हें मद्रास में अपनी फोर्ट फोर्टिफिकेशन किया जॉर्ज बनाया अब यहाँ पर वो बना लेते हैं फोर्ट विलियम्स इन सत्रह आइए हम ये भी देखेंगे कि बंगाल में उन्होंने अपने रूल को मतलब ट्रेड से अपनी पॉलिटिकल रूल को कैसे एस्टैब्लिश किया फिर 1750 में फ़ारूक शियार, फारूक शयार वो मुगल रूलर इन्हों ये इशू करते हैं एक फरमान इस फरमान के तहत उन्हें वैल्यूएबल प्रिवलेज मिल जाते हैं मतलब ट्रेड करने के कुछ राइट्स या प्रिवलेज मिल जाते हैं किन किन जगह पर इन बंगाल गुजरात एंड हैदराबाद तो इस अनुमान को हम कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी व्हाट इज मैग्ना कार्टा इट वाज द टर्म यूज्ड इन जब 1215 में 1215 में एक एक्ट पास होता है दैट गिव्स फर्स्ट द राइट्स एंड प्रिविलेज टू द पीपल और वो लॉ के आगे सबको इक्वल कर देते हैं तो उसको हम मैग्ना कार्टा कहते हैं उसके बाद कुछ भी इम्पोर्टेंट अगर रूल ऐसा पास होता है जो किसी को राइट्स या प्रिवलेज देता है तो उसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं तो हम देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया सूरत से ट्रेड फिर वो आते हैं पटनम की तरफ फिर बंगाल बॉम्बे मिल जाता है इस बीच उनको अब वो साउथ में तेलंगाना गोलकोंडा की तरफ आ जाते हैं उसके बाद बंगाल गुजरात और हैदराबाद में भी उन्हें फ्री ट्रेड की परमिशन मिल जाती है तो इस तरीके से सेटैब्लिश एस्टैब, हुए उनका ट्रेड क्योंकि फ्रेंच आ जाते हैं 1664 में इंडिया के अंदर वो भी अपनी ट्रेड एस्पिरेशंस के साथ आते हैं इंडिया में वर दी लास्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया 1667 में फैक्ट्री बनाते हैं सूरत में क्योंकि ऑलरेडी कई यूरोपियंस कंट्री उस टाइम तक इंडिया के साथ ट्रेड कर रही होती हैं तो उन्हें पछता नहीं है फ्रेंच की एंट्री इन इंडिया फ्रेंच जब आते हैं तो उनका जो सेंटर हमने देखा ना सब ने अपने अपने सेंटर बनाए ट्रेड के लिए तो वो बनाते हैं पौंडीचेरी को अपना सेंटर ओके अब क्योंकि फ्रेंच इंडिया में तब आते हैं जब ऑलरेडी दूसरे यूरोपियन कंट्रीज आर एट राइज़ तो एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल नज़र आता है वट इज़ एंग्लो वर्ड गिवन टू इंग्लिश तो ब्रिटिशर्स या इंग्लिश और फ्रेंच की लड़ाई होने लग जाती है इंडिया में क्यों ड्यू टू देयर पॉलिटिकल एस्पिरेशंस वो दोनों ही इंडिया में अपने पॉलिटिकल रूल को एस्टैब्लिश करना चाहते थे उसके बाद देयर ट्रेडिशनल राइवलरीज क्योंकि ये यूरोपियन नेशंस के दो पावरफुल नेशन थे इनकी कुछ ट्रेडिशनल राइवलरीज थी ओवर एरिया ऑफ ऑस्ट्रिया या अमेरिका के वॉर में हम आगे तो इस ऑस्ट्रिया के वॉर के सक्सेशन से इनकी लड़ाई चालू होती है यूरोप में क्योंकि वही दो नेशन इंडिया में भी प्रेजेंट हैं तो उस लड़ाई का इफेक्ट तो पड़ेगा जो कड़वाहट यूरोप में चल रही थी उसका इफ़ेक्ट हम इंडिया में देखते हैं आप वहाँ पर जैसे ही बैटल स्टार्ट होता है इंडिया में भी हमको सीरीज ऑफ कार्नेटिक वॉर्स दिखाई देंगे उसके अलावा कि इनकी लड़ाई का रीज़न ये था अनसर्टेन पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया इंडिया की जो पॉलिटिकल सिचुएशन अब 1664 तक ये थी कि जो मुगल का राज था वो धीरे 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 वीक होने लगा ओके मुगल्स वीक हो रहे थे उसके बाद साउथ इंडिया में अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स रूल कर रहे थे टुकड़ों में बटे थे ये लोग ठीक है तो ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी इसने मौका दिया यूरोपियंस को कि हम उनकी पॉलिटिकल सिचुएशंस में गए वो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन में इंटरफेयर करने लगे जिसकी वजह से वो खुद फ़ायदा उठाना चाहते थे तो ये भी एक रीज़न था उनकी लड़ाई का तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि यूरोपियंस और फ्रेंच का स्ट्रगल किन वॉर्स को स्टार्ट करता है वो वॉर्स हैं एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स इन वॉर्स को देखेंगे हम ओके तो दिस वॉज़ माई फर्स्ट लेक्चर हैंड रिटन नोट्स यूज किए हैं मैंने इस लेक्चर के लिए अगर आप लोगों को कुछ भी इशू है समझने में राइटिंग या मेरे एक्सप्लेनेशन को तो यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन इन नीड ऑफ दिट्स नोट्स इफ़ यू वॉन्ट प्रिंटेड नोट्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक यू